मेरा एल्बम, इसमें मेरा पूरा भविष्य है। नोबिता नोबी 20 वर्ष का, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल, और उसकी पार्टी 28 का, नौकरी नहीं मिल पाई और खुद की कंपनी शुरू की। 33 का, मेरी कंपनी जलकर राख हो गई और आग लगने का कारण मेरे पटाखे। 35 का, मेरी कंपनी डूब गई और मैं और कर्जे में डूब गया। बस बहुत हो गया। तुम्हारे भारी कर्जे के कारण आगे तुम्हारी पीढ़ियों को बहुत गरीबी में जीवन गुजारना पड़ा, और यही कारण है कि मुझे अपने जेब खर्च के लिए सिर्फ 5 येन मिलते थे। मेरी वजह से मेरे परिवार को कितना भुगतना पड़ा, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चुप हो जाओ नोबिता। हाँ, तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। सच में? बिल्कुल सच, तभी तो हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं। आज से तुम पर चाहे जो भी मुसीबत आए, डोरेमोन तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। थैंक यू शिवाशी, मुझे तुम पर भरोसा है डोरेमोन। मुझे भी खुशी होगी नोबिता। अच्छा तो गुड लक ग्रैंडपा। थैंक्स। गुड बाय। मैं इस सदी का शहर देखना चाहता हूँ नोबिता, क्या तुम मुझे अपना शहर नहीं दिखाओगे? जरूर जरूर, मेरे पास ढेर सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स हैं मेरे इस खास बने हुए पॉकेट में, और ये है बैम्बू कॉप्टर। रुको डोरेमोन, मुझे लगता है जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सब ठीक है, बस तुम उड़ रहे हो। मुझे मेरी कॉमिक बुक वापस दे दो प्लीज। अरे रुको, मुझे देखने तो दो। मैंने अभी तक पूरी नहीं पढ़ी, प्लीज प्लीज मुझे दे दो। ठीक है, तुम बाद में पढ़ लेना। नोबिता, तूने मेरी बहन को रुलाया था ना, अब देख मैं तुझे कैसे मजा चकाता हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। नोबिता ये कहाँ गया? देखते हैं क्या है। रॉक हार्ड लाइट। जियान क्या हुआ? नोबिता इधर। वो नोबिता को अपने साथ उड़ा ले गया डोरेमोन, पर वहाँ पर आखिर हुआ क्या? मैंने रॉक हार्ड लाइट का इस्तेमाल करके तुम्हें पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। अच्छा, तभी जियान को इतनी ज्यादा तकलीफ पहुँची। बिल्कुल। ओ नोबिता, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मॉम डैड, असल में मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा कौन? क्या अपने किसी दोस्त को साथ मिलवाने लाए हो? नहीं। हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त डोरेमोन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। अरे ये खिलौना तो बोलने वाला है। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मेरा नाम डोरेमोन है और मैं एक कैट रोबोट हूँ 22nd सेंचुरी से। अरे वाह, ये होम रन है। वाह, क्यों मारा है? हो गया! बहुत अच्छे! हुर्रे 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 हुर्रे। नोबिता की वजह से हम जीत गए, वो भी इतनी आसानी से। हुर्रे 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 हुर्रे। वाह नोबिता, आज तो तुम्हें कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। मैंने तुम्हें इस तरह पहले कभी नहीं देखा। कोई खास बात नहीं, कभी कभी मैं भी कुछ अच्छा कर दिखाता हूँ, जैसे आज। तुम क्या कहना चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, इसके पीछे एक राज है, वो मैं नहीं बताऊंगा। क्या कहा तुमने? जरा इस बात को समझा कर बताओ तो। सुनियो ने हमारी टीम के सारे मेंबर्स का एवरेज कैलकुलेट किया है। ओह, और तुमने ये कैसे किया? मेरा एवरेज है 0.01। 0.01? चिल्ला क्यों रहे हो? इसमें चिल्लाने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब 100 बार कोशिश करने पर तुम्हारा निशाना एक बार लगेगा। जियान मुझसे बड़ा नाराज था। मैं उसे दोष नहीं दूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? वो कहते हैं कि अगर मैं कल स्कोर नहीं कर पाया तो मुझे अपनी टीम से बाहर कर देगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? क्या तुम किसी तरीके से मेरी बैटिंग एवरेज बढ़ा सकते हो? कुछ कह नहीं सकता। कह नहीं सकता? स्पोर्ट्स में
जीतने का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस 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 और बहुत सारी प्रैक्टिस, तो ही तुम जीत सकते हो। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ? मुझे लगा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। नोबिता, तुम्हारे लिए फोन है। सुनियो, शायद खुद की बड़ाई करना चाहता होगा, मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं देखता हूँ। मैं कोई पुराना वीडियो नहीं देखना चाहता। पता है, ये मशहूर निंजा परमान मूवी का वीडियो है। वो एक सुपर निंजा होगा, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं इस फिल्म को नहीं देखना चाहता। तुम खुद ही देख लो, मैं नहीं देखूंगा। मैं तो इसे देखूंगा। ये फिल्म अभी तक मार्केट में नहीं आई है। थिएटर में फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसे देखने का मजा कुछ और ही है ना?